हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक सो नाउ वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट वाज द रजिस्टेंस फॉर द सीरीज दैट वी हैव डन एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद द दैट इज़ द रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल दैट इज़ द आर वन एंड आर टू आर थ्री जब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो दिस इज कि हम उनको क्या करते हैं एक ही पॉइंट से अलग अलग कर देते हैं इन द थ्री डिफरेंट पार्ट्स तो दैट इज जो उनको सर्किट में पोटेंशियल था वो उनको क्या हो जाएगा एक ही पॉइंट से मिलेगा आर वन को भी इसी पॉइंट से मिल रहा है जहाँ से आर टू ले रहा है आर थ्री को भी इसी पॉइंट से दैट इज इस केस में वी क्या रहती है सेम रहती है हमारी वियर एस जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं करंट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इट गेट्स डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज इलेक्ट्रिक सर जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा वो आर वन में से uh, है जो वो अलग वैल्यू से फुल uh, फ्लो uh, करता है दैट इज आर वन इसमें से आर टू दैट इज आई वन आई टू एंड आई थ्री तो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं हमारे पास करंट की वेराज जो वोल्टेज हैं पैरल कम्बिनेशन में वो सेम रहता है क्लियर तो लेट अस स्टार्ट विद दिस व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट सच दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है यहां पे एंड करंट है जो वो डिवाइड हो जाता है अगर हम कर, तो उस केस में हम क्या करते हैं जो मेरी रेजिस्टेंस है दैट विल बी उसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं आर वन प्लस वन फोन आर थ्री मीन्स जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो वैल्यूज़ आती हैं वो बहुत ही छोटी आती हैं वैल्यूज़ हमारे पास रेजिस्टेंस की एज सीरीज़ में हमारे पास सिंपली बहुत बड़ी बड़ी आर वन आर टू आर थ्री वैल्यूज़ आई थी एज यहाँ पे फ्रैक्शन में ही वैल्यूज़ आती हैं रेजिस्टेंस की मीन्स जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस है जो बहुत ही कम आती है so uh, let us uh, know how this formula is uh, uh, this is formulated first is equivalent resistance for the parallel combinations let like r1 r2 and r3 are the resistors which are connected in parallel and total resistance is RP in the parallel combination and the, let us let the V be v the parallel uh, the v the potential difference at the uh, across the terminals of the resistors. एंड आई करंट वी फ्लोइंग जो आई करंट है वो फ्लो कर रहा है सच दैट जो आर वन है उसमें से आई वन करंट फ्लो करेगा एंड आर टू में से आई टू करेगा एंड आर थ्री में से आई थ्री करंट फ्लो जो है फ्लो करेगा बिकॉज इस केस में करंट डिवाइड हो जाता है व्हेन वी यूज इट द पैरेलल कंबिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड द पोटेंशियल जो था पिछले केस में जो हमने डिफरेंट लिया था अभी वो सेम रहने वाला है बिकॉज इट इज़ द पैरेलल कम्बिनेशन तो अगर मैं इसकी फॉर्म फॉर्मूला की बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द होम्स लाइट इज वी इज इक्वल टू आई आर एंड आई इज इक्वल टू वी पॉन आर तो आई वन तो इसको मैंने अलग अलग आई uh, वन आई थ्री तक की वैल्यूज ले, ले सकता हूँ तो टोटल जो मेरे पास रजिस्टेंस है इट विल कम फ्रॉम हेयर दैट इज आई इज इक्वल टू वी पॉन आर तो टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी हेयर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री एंड जो मेरी रजिस्टेंस है दैट देर आर थ्री रजिस्टर्स आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो इनको अलग से रखेंगे इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ मैं यहाँ पे इस केस में हम वी की आई की वैल्यू पुट करते हैं टोटल करंट की हेयर उसके बाद I1 की वैल्यू यहाँ पे I3 थ्री एंड आई की वैल्यू पुट कर दी बट वी विल गेट हमारे पास दोनों साइड पे V है जो वो कांस्टेंट आ जाएगी जो कि कैंसिल हो जाएगी बाद में दैट इज दिस वी विल बी कैंसल विद दिस एंड वी विल गेट दिस फॉर्मूला सो थर्सिप्रोकल ऑफ द इक्विट रजिस्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ रजिस्टेंस ज्वाइन इन दैनल इज इक्वल सो दैट इज वाई जो सम है जो टोटल जो हमारे पास आता है इट इज इन द रेसिप्रोकल फॉर्म इन दिस फॉर्म क्लियर कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज रजिस्टेंस इन दीरीज इंक्रीज जो रजिस्टेंस होती है सीरीज में वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज उसमें हम सीधे सीधे नंबर ऐड कर देते हैं दैट इज रजिस्टेंस है टोटल आर वन हो गई आर टू एंड आर थ्री जो कि बहुत बड़ा नंबर है वेरास जो पैरल होती है उसमें हम क्या लेते हैं वन पॉन आर वन प्लस वन पॉन आर टू प्लस वन पॉन आर थ्री जो कि फ्रैक्शन में है विच इज़ वेरी मच स्मॉलर ऑल्सो एक वन से भी छोटी वैल्यू आने वाली है हमारे पास आर वन आर टू एंड आर थ्री की क्लियर रजिस्टेंस है जो पैलल में बहुत कम हो जाती है थस टू डिक्रीज द रजिस्टेंस हम पैल कंबिनेशन यूज करते हैं अगर कहीं पे हमने रजिस्टेंस कम करनी है तो हम पैलल कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं जो इफेक्टिव जो हमने टोटल रजिस्टेंस निकाली थी सीरीज में वो ग्रेटर होती है देन द ऑल द थ्री जो हमारे पास टोटल रजिस्टेंस थी दैट वॉज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों का सम था वेयर एज जो पैलल कम्बिनेशन होता है उसमें जो मेरे पास टोटल वैल्यू आती है ये वाली आर पी की दैट इज़ स्मॉलर देन द इंडिविजुअल वन उनमें से भी छोटी वैल्यू आती है जो आर वन आर टू एंड आर थ्री की थी क्लियर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है रजिस्टेंस वैन वी यूज़ द रजिस्टर्स इन पैलल कम्बिनेशन क्लियर नेक्स्ट इज डिसवान्टेज ऑफ सीरीज का रजिस्टेंस जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो उसका क्या नुकसान है इन द सीरीज ऑल द डिवाइस गेट सेम अमाउंट ऑफ करंट बट द डिफरेंट डिवाइज नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट वी नो दैट जैसे एक बल्ब यूज़ कर रहे हैं वन साइड वी आर यूजिंग ए सी एंड इलेक्ट्रिक हीटर तो उनको हमने सीरीज में ही कनेक्ट कर लिया मीन एक साइड से वायर ली बल्ब की उसके साथ ही ए सी लगा दिया उसके साथ ही हमने रेफ्रिजरेटर लगा दिया तो उस केस में क्या होगा बल्ब को डिफरेंट करंट चाहिए एसी को डिफरेंट करंट चाहिए हीटर को अलग चाहिए बट वी आर गिविंग सेम करंट फॉर द ऑल ऐसे तो नहीं चलेगा बिकॉज डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड तो देर इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस नेक्स्ट इज इन सीरीज सर्किट इफ वन कॉम्पोनेंट डिवाइस इज स्टॉप वर्किंग ऑल अदर विल जैसे कि लाइक लेटर सपोज हमने बल्ब यूज़ किया है

तो उसमें वी हैव यूज अस टेक इट अगेन हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लिए जहाँ पे बल्ब है इट इज कनेक्टेड इन देयर इज द रेजिस्टेंस कोई और कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं लाइक ए सी हेयर वी आर यूजिंग हीटर तो अगर ये बल्ब ख़राब भी हो जाता है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम दीज टू तो ये तो सर्किट चलता रहेगा ना दिस इज़ हाउ वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस इज ऑल्सो इन द सेम वे ऐसे ही कॉम्बिनेशन से हम जो पैरल कॉम्बिनेशन है दैट वी यूज इन आवर हाउसेस आल्सो ऑल्सो क्लियर